कहाँ जाइयो दादा आपको जाना है। आओ चल लेंगे। अगर मर्जी हो तो दही दो, ना मर्जी हो तो ना दो, जबरदस्ती नहीं है। एकदम उधर जा रहे हैं ना अकबरपुर तक, तो हम मतलब एक आने बस से जाते, मतलब बैठा नहीं, पैसा है नहीं, मतलब आ जाओ भाई, खोल दीजिए। ये पैसा नहीं है, किराया नहीं है क्या? बस से जाते हैं ना, मतलब वहाँ पर बस तो अभी आने वाली होगी। नहरिया जाते हैं, उधर जाते हैं, इस नारिया से उधर जाते हैं। उधर से बस फ्री में मिलती, बस डब्बे डाल के ले जाती है, ले जाती है। कंपनी में बस आती है ना, मतलब कितनी बजे बस आती है? 7 बजे आती है। अच्छा, कितनी दूर है यहाँ से कंपनी? यहाँ करीब 15-20 किलोमीटर पड़ेगा। 15 किलोमीटर कंपनी? हाँ 16-15-20 पड़ेगा मतलब। तो वो रनिये में क्या कंपनी? नहीं, वही सामने है मतलब। अच्छा अच्छा, सीट बेल्ट लगा लो दादा। अच्छा। सीट बेल्ट कहाँ पर है? ऐसे नहीं लगाते हैं, लम लगा रहे हैं। वही नारियल जाते हैं अंदर है। हाँ। बस 7 बजे तक आ जाती हूँ, फिर आप बैठ के बैठ के चले जाते हो कंपनी? जाते हो कंपनी से? आ रहे हैं काम करके? नहीं, जा रहे हैं ड्यूटी, नाइट ड्यूटी। अच्छा, नाइट ड्यूटी है। अच्छा, आजकल दादा बहुत चीजें खराब चल रही है, समझे ना? भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, आत्माएं, पिशाचनी डाकनी है, बात सही की नहीं? कितनी सब समस्याएं चल रही है। आदमी मानता नहीं किसी चीज को लेकर के, नहीं कि इस जमाने में ये सब चीजें कहाँ होती हैं, लेकिन होती हैं। अब जब तबीयत में सब सही रहती है, हैं? स्वस्थ? सब सही है। सही है। अरे बच्चे अच्छे बड़े होंगे, सब काम करते होंगे? एक काम करता है। अच्छा, भाई घर घर में कोई चिंता नहीं, अगर आप ना कमाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सही है। पता इसी लोगों दादा हमको जरूरत थी, समझे ना? हमारा एक साला आया है, बोले उसने बहुत कारी शक्तियां सीखी हैं, तो जिंद को बुला लिया था उसने, तो जिंद जो लड़की नहीं होती, लड़कियों जिंदनी, उसको बुला लिया था कि अब उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। लेकिन दादा समस्या ये हो गई है कि वो अब उसको छोड़ के जा रही है, उसको साधु लड़का साला जो है शादी करने ले तैयार नहीं करी। हमने शादी करो तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, लेकिन वो शादी करने ले तैयार नहीं है, तो उसने घर में सबको परेशान करके रखा है। वो बताती कि हम जिंद लोग से आए हैं, जिंदपुरी में रहते हैं, जिंदपुरी में जिंद लोग है, वहां की वो जिंदनी है, वो रानी की लड़की है वो। हाँ, वहां की अब पूरे घर को तहस नहस कर रखा है दादा उसने, समझे ना? अब मजबूरी हमको लोग ढूंढना पड़ रहा है कि कोई आदमी ऐसा मिल जाए जिसके पर कोई जिम्मेदारी ना, उसको हम लेके चले जाएं, उससे विवाह करके उसकी आत्मा को लेके चली जाएगी, समझ रहे हो दादा? समझ गए? क्या समझे? जान दे देंगे इसके लिए। समझ है, कोई जिम्मेदारी ना हो किसी बात में, तो कोई आदमी ऐसा हो मिले चला गया, मतलब कोई है दादा जिम आदमी, पता करना पड़ेगा ऐसे कहाँ जल्दी मिलेगा। आपको ले चले यहाँ चलेंगे? नहीं बस ऐसे ही बाबत दादा, कोई नहीं जाता है, तो जैसे आप नहीं जा रहे हैं तो हम आपको जबरदस्ती लेके चलेंगे। शाबाश बेटा। हाँ, कहाँ उससे शादी कराएंगे जिंदनी से आपकी? नहीं, आपको लेके चली जाएगी? नहीं नहीं, समझे ना, अब आप तो यहाँ जिंदगी जी चुके, थोड़ी जिंदगी जिंदनी के साथ वहां तो उनको राजा बनाएगी दादा आपको। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। हम लेके चल रहे दादा, परेशान नहीं हो ना, ना।
नहीं ना, अब हम आपको लेके चल रहे हैं। नहीं नहीं, अब वो आपको वहाँ बढ़िया राजा बना रखी था, आप यहाँ मृत्यु रोग से फालतू परेशान रहते हैं, यहाँ से आप आजाद हो जाएंगे। समझ रहे दादा? नहीं भैया, हम ऐसा ऐसे है दादा, हम लेके चल रहे हैं। अरे नहीं दादा भैया, तो तेज तेज बोलो दादा, सुनाई नहीं देता। भैया माफ करो यार, उनको भी लड़के बच्चे शादी ब्याह करनी है। शादी ब्याह दादा कोई दिक्कत नहीं, शादी ब्याह लड़के बच्चे बड़े हो गए, शादी ब्याह कर लेंगे। नहीं है भैया, हमको टाट में आप दादा आप उतरेंगे थोड़ा। नहीं नहीं भैया माफ करो, गलती हो गई, सुनाई नहीं देता दादा, गलती हो गई, माफ करो भैया, उतार दो भैया। आप दादा आप उतरेंगे नहीं? आप नहीं भैया माफ करो, दादा माफी हमसे न मांगे दादा, आप सीधे सीधे जिंद लोग जा रहे हैं। नहीं नहीं भैया, जिंद लोग नहीं भैया, जिंद लोग क्या राजा बने दादा? जैसे पृथ्वी लोग है ना भैया, उतार दो, जैसे पृथ्वी लोग है ना दादा, भैया भैया उतार दो दादा, भैया सुनो तो भैया, पहले भैया पहले एक सामान ले, पहले यहाँ पे एक चीज ले, मसाला लेना है। हाँ, ले दादा, हमारे पास मसाला रखा है। नहीं वो दही दूध वाला ले लेना, दूध यहाँ मिलता है, दूध मिलता है। अरे दही यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ले, पर्ची कटवा है, लेकिन एक मिनट दादा रुक, पर्ची कटवा देंगे तुमको। अरे चल एक सेकंड, एक मिनट दादा भैया, दादा हम आपको सब सामान कटवा देंगे। एक मिनट दादा, भैया दादा भैया, जिंद लोग लेके चलेंगे आपको। अरे भैया भैया माफ करें भैया, दादा विवाह विवाह हो जाएगा, दिक्कत रहेगी भैया। एक मिनट भैया, एक मिनट, एक मिनट, क्या कुछ काम है? हाँ एक सेकंड, क्या काम है? एक सेकंड, एक सेकंड बताओ तो, काम एक सेकंड जाओ, एक सेकंड भैया, भैया काम बता दो, एक सेकंड भैया, एक सेकंड भैया, काम बता दो भैया, भैया प्लीज भैया, भैया पाँच पाँच करता हूँ दादा, हमारे पास बड़े हो, एक मिनट भैया, भैया समझो भाई, भैया एक मिनट, एक खाली एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अच्छा बताओ क्या काम है? एक मिनट, एक मिनट बताते, एक मिनट, एक सेकंड, मैं चल रहा, मैं चल रहा हूँ, आपको कल जो चल रहा हूँ, एक मिनट भैया, फिर अच्छा कुछ काम है तो बताओ तुम। हाँ भैया 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 भैया, एक मिनट भैया, एक सेकंड, एक मिनट भैया भैया, दादा दादा ले चले, अरे भैया 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 आपको मर जाएगा भैया भैया, एक मिनट दादा, वीडियो बना रहे हैं भैया भैया, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं, डरो नहीं, खोल ले, खोल ले, दादा खोल ले, खोल ले, खोल ले दादा, वीडियो बना रहे दादा, डरो नहीं दादा, वीडियो बना, देखो जो अनजान गाड़ी में बैठता है ना दादा, वीडियो बना रहे दादा, इधर आओ, दादा दादा डरो नहीं, दादा डरो नहीं, सुनो तो मेरी बात, दो मिनट सुनो, अच्छा वहीं खड़े सर, सुन लो बात, सुन लो दादा, हम जैसे अनजान गाड़ी में आदमी बैठ जाता है ना, उसकी जागरूकता के लिए वीडियो बनाते हैं दादा, ये देखो वीडियो बन रहा है, देखो कैमरा, तो पूरा वीडियो दिखा दें आपको, या आप यहाँ से यहीं से बोल दो कि वीडियो ऐसे अनजान गाड़ी में बैठा कर, इसमें बोल दो दादा, हम गाड़ी में नहीं बैठेंगे, नहीं इसमें बोल दिया, यहीं से झांक करके गाड़ी में नहीं बैठेंगे, यहाँ इसमें दिखाई दे दो, देखो देखो पूरा वीडियो बना, उतर के आ जाए, डरिए नहीं, हम नहीं बैठेंगे, हम डरिए नहीं, डरिए नहीं, डरिए नहीं दादा, हम बिल्कुल अब अनजान, हम वैसे नहीं आदमी है, ये मैडम भाई उनसे बात कर लीजिए दादा, डरो नहीं, डरो नहीं, देखो हम आपको वहीं वापस छोड़ देंगे चल करके, सुनो ये देखो, हम देखो पूरा एक मिनट देखना, एक मिनट, आदमी कैसा खराब दादा हुए, लेक चला जाए आपको गलत फंसा करके, इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं कि आप थोड़े रुपए देख जाइए, लेकिन सवारी में बैठ के जाइए अपनी, नहीं ना, ये तो दादा बोल दीजिए इसमें कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, मतलब ऐसे अनजान गाड़ी में ना बैठा करें, अनजान गाड़ी में ना बैठे, किसी के साथ में तो फंस जाएंगे तो दिक्कत होगी, दिक्कत होगी, है बात सही नहीं दादा, दादा हम आपको वापस वहीं तक छोड़ दें, जहाँ से आपको बस मिल जाएगी, हैं। सो गाइस, दादा काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, लेकिन जितनी देर गाड़ी में बैठे उतनी देर थोड़ा डरे, इसकी जैसे उतर गए तुरंत बिल्कुल शांत हो गए, बिल्कुल बेधड़क हो गए, जिसको उनको हमने तुरंत उतर के समझाया जाकर के दादा, क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं यूट्यूब में जागरूकता के लिए, कि ताकि जो अनजान गाड़ी में लोग बैठ जाते हैं वो खासकर ज़्यादातर बुजुर्ग ही फंसते हैं, इसलिए हम लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं ताकि लोग जागरूक हो सकें और गलत आदमियों के साथ ना बैठें, क्योंकि किराया देख चले जाएंगे वो ज़्यादा सही रहेगा, वो ऐसे फंस जाएंगे तो ज़्यादा समस्याएँ हो सकती हैं, उनकी पूरे फैमिली मेम्बर परेशान हो सकते हैं।